हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज देख रहे हो ये लंगर। सो आज फाइनली गाड़ी लोडिंग हो रही है अपनी, और भाई इस बार हो रही है पंजाब के लिए। पहले तो बोला था पंजाब में मोहाली के लिए, लेकिन अभी बोला थोड़ा चेंज है, तो कहाँ से लोग कहाँ के लिए लोड हो रही है वो थोड़ा बाद में ही पता लगेगा। सो मैं खड़ा हुआ हूँ भाई खेत में, अभी बाग में। देखो भाई, केला शानदार पका हुआ है, मतलब पका नहीं है, साइज़ वगैरह ठीक है, एक नंबर का साइज है। ये देखो इधर वाला। तो अभी अपनी गाड़ी हो रही है लोडिंग, और ये है भाई चोपड़ा गांव है, ये इधर जलगांव से पहले है, और इस साइड में क्या पता है यार, महाराष्ट्र बॉर्डर से पहले कोई गांव आता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, तो उससे पहले है चोपड़ा गांव। यहाँ से लोडिंग हो रही है, चोपड़ा से भी तकरीबन 25 किलोमीटर साइड में है, इसका गांव का पता नहीं है, अब नया नया गांव है। सो जो भाई नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना। ये आपको पीछे से दिखाता हूँ कितनी लोडिंग हो गई, किस तरीके से लोडिंग कर रहे हैं। तो भाई केले का बाग, केले की लोडिंग अपनी गाड़ी में बहुत टाइम के बाद हो रही है। इससे पहले अपन ने केला किया था आनंद से, दो चक्कर लगाए थे इस गाड़ी में, और अब की बार ना भाई थोड़ा नुकसान भी हो गया। पानी का टप भर के लेके आ रहे थे पीछे से, पीछे कोई गांव था वहां से, तो उसमें टप में नीचे लगे थे टायर छोटे छोटे, तो एक फर्श में वो टायर धंस गया। गाड़ी जब थोड़ा जंप वगैरह मारी ना ब्रेकर वगैरह पे, तो वो एक टायर धंस गया, तो उससे थोड़ा फर्श टूट गया अपना। तो उसका देखते हैं, थोड़ा माइंड अपसेट हो ही जाता है यार, नया फर्श था, तो इनके साथ में हुआ थोड़ा पंगा। चलो अभी जो हो गया सो हो गया, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसी क्या लोडिंग हो रही है। पहले आपको बाग चेक करवाता हूँ थोड़ा। ये देखो दोस्तों बाग, और भाई अभी देखो जैसे ये वाली लंगर काट दी इन्होंने, ये काट के रख दी, ये उठा के लेके जाएंगे। उधर भी काट रहे हैं बंदे, भी मतलब जो ज़्यादा अच्छा केला है उसी को तोड़ रहे हैं, बाकियों को नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि एक दो दिन बाद बोल रहे हैं अभी दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी और बढ़नी है अभी, तो अभी जितना डाल रहे हैं। और ये लगी अपनी गाड़ी, अभी गाड़ी के पास में, और आपको गाड़ी चेक करवाते हैं बाहर। चलो तो ऐसा कुछ नज़ारा है भाई यहाँ का, और अपनी गाड़ी पे ये देखो इन्होंने डाल रखी है ये वाली धूप के लिए, जिससे कि केला ख़राब ना हो। बनाना लोडिंग, और भाई ये मक्के के, ये मक्के की खेत है ये देखते हैं पीछे से कितना क्या कर दिया इन्होंने। शंकर जी कहाँ गए? ये हाँ, ये भाई हो गए अपनी गाड़ी में तीन भट्ठे कंप्लीट। ये देखो, और तो भाई ये हो गई अपनी गाड़ी, पीछे का एक बत्ता बचा हुआ है, और इधर काकल हो गए कच्चे केले बकरियों को खा रहे हैं।
अभी बस आधे पौने घंटे में हो जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो अभी टाइम से करके निकल जाएंगे गाड़ी। भाई ये आप इतनी भयंकर गर्मी है, टेम्परेचर मेरे ख्याल में 50 के समथिंग हो चुका, 45-50 डिग्री के समथिंग, इतने गर्म तो ना जी यार। शंकर जी भी बार बार पानी पी रहे हैं। है शंकर जी, ये देखो भाई ये अभी दूसरी गाड़ी आएगी ना 2-4 दिन में, तब तक हो जाएंगे कंप्लीट। तो भाई अभी आपको केले की कटिंग दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई चोपड़ा की, क्या नाम है आपके ग्रुप का? ओम नागेश्वर केला। नहीं वो दोबारा बोल रहा था ना, अक्तर कटिंग वाले। ये देखो बढ़िया माल है, एकदम झकास। ये चोपड़ा का माल, चोपड़ा की का माल, चोपड़ा का माल। और ये इधर शेड, इनके खेत का माल है चौधरी साहब, जो कि रहते हैं सूरत में। है शेठ जी, बोलो। सूरत में रहते हो? हम सूरत में रहते हैं लेकिन हमारे बाप दादा की खेती इधर है, इधर है, इसलिए हम यहाँ की खेडूत कहलाते हैं, किसान कहलाते हैं। हमने यहाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी का केला पकाया है, ये देखो क्वालिटी, क्वालिटी देखो तुम, केला देखो, केले का खेत देखो, केले पकाने वाले को देखो। ये देखो पंजा, ये देखो पंजा, बढ़िया माल। और भाई पंजाब शेठ जी चौधरी साहब है, चौधरी तो हमारे हमारे उस्ताद जी भी चौधरी है, उनकी राय लीजिए कैसा लग रहा है उनको हमारे महाराष्ट्र में। है शंकर जी, विकास का दिया व्लॉग, विकास का दिया व्लॉग, अभी पीछे फट्टे पे लगा हुआ है अपना। तो दोस्तों फाइनली हो गई अपनी गाड़ी कंप्लीट, और भाई अभी चल रहा है रस्सा त्रिपाल, और ऊपर एक लूंगर रखवा दिया केले का, वो अगर घर से जाएंगे तो घर पे देके जाएंगे। और इधर से भाई खींच रहा है रस्सा, और इधर है शंकर जी, और भाई अभी शाम का टाइम हो गया 6:30 बज गए, तभी करवाते हैं रस्सा त्रिपाल कंप्लीट, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों लोड करके निकल गए, कांटा वांटा करवा के, और भाई अभी वजन हुआ 17 टन, और अभी बेल्टी वगैरह व्हाट्सअप करेगा, उसके बाद पता लगेगा कहाँ पे जानी है गाड़ी। और ये देखो कहाँ पे तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं। तो अभी हम हैं यो आएगा कौन सो गाँव से शंकर जी, हैं यो कौन सो गाँव होगा आगा ना? शिरपुर, शिरपुर से पहले लोड की है हमने, शिरपुर चोपड़ा रोड पे। दोस्तों अभी पहुंचे हैं महाराष्ट्र बॉर्डर पे, और भाई आज ट्रैफिक कम है, जाम कम लगा है, ये पीछे देख लो खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी बज रहे 10,
तो सब गाड़ी वाले खाना वाना खाने के लिए रुक जाते हैं और नासिक वगैरह से शाम को गाड़ियाँ छूटती हैं, पीछे से शाम को छूटती हैं, तो सुबह के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अभी तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है पूरा बॉर्डर, दो तीन लाइनें ही चालू कर रखी हैं इन्होंने। और भाई अपनी गाड़ी में हाइट वगैरह कुछ नहीं है, बॉडी से थोड़ा ऊपर है। तो दोस्तों अब भी बज रहे हैं सुबह के 6 और भाई हम पहुंचे हैं रतलाम से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले। तो अभी शंकर जी सोए हुए हैं, तो अभी यहाँ से जाएंगे और आज दिन में भाई फोरन लगवाना है अपने को, तो मंगलवाड़ा होके जाएंगे इस बार। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और ब्लॉग का यहीं पे दी एंड करते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है तो आप लोग को भी देखने में मज़ा नहीं आता। तो कमेंट करके बताना कैसा रहा और मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा अपनी गाड़ी कहाँ पे क्या खाली होने वाली है। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखना।